नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वर्ष की तरह इस बार भी नॉन बोर्ड क्लासेज यानी 9th 11th का परीक्षा परिणाम शाला दर्पण के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। साथियों, हालांकि शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्रीज करते समय हम पूरी सावधानी बरतते हैं, परंतु जाने अनजाने में कोई न कोई गलती हो ही जाती है। साथियों, आज मैं शाला दर्पण पोर्टल की एक ऐसी ही कमी आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके द्वारा की गई एंट्रीज में जाने अनजाने में कोई गलती होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्रीज करते समय समस्या सामने आ रही है। अगर आपकी कक्षा में एक ही नाम के दो या दो से अधिक विद्यार्थी है और आप उनकी एंट्री कर रहे हो, तो उस समय शाला दर्पण पोर्टल स्वयं ही एक मिस्टेक कर रहा है, जिसकी जानकारी अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आसानी से पता लग पाना मुश्किल है, यानी जल्दी से वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या मिस्टेक कर रहा है शाला दर्पण पोर्टल खुद, और जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई एंट्रीज गलत हो रही हैं। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कक्षा में एक ही नाम के दो विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करते समय शाला दर्पण विद्यार्थी के नाम को प्रत्येक प्रविष्टि के समय ऊपर नीचे कर रहा है। इसके कारण परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों में त्रुटि होने की संभावना बन जाती है। हो सकता है आपका ध्यान इस समस्या पर नहीं गया हो, क्योंकि आपके साथ ये समस्या आई नहीं हो या फिर आपने इस पर गौर नहीं किया हो। शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री करते समय जो मैंने शाला दर्पण पोर्टल की समस्या या कमी ढूंढी है, या मुझे वो लगती है कि ये कमी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये समस्या आपको भी आ रही है तो आप सावधानी बरतें, और अगर आपको लगता है कि ये समस्या आपके सामने नहीं आई है, फिर भी एक बार आप अपने रिजल्ट को फिर से चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट भी बन जाए और उसमें कमी भी रह जाए, फिर बाद में हमें फिर से सुधार करना पड़े। तो आइए इसके लिए हमें चलना होगा शाला दर्पण पोर्टल पर, और फिर हम समझेंगे कि किस तरह की गलती शाला दर्पण पोर्टल कर रहा है। साथियों, स्क्रीन पर आपके सामने मेरी स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ हम आएंगे परिणाम पर, और यहाँ पर आने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, और इसके बाद में यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है परिणाम प्रविष्टि 2022-23, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कक्षा 11। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पैटर्न ऑल। अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम स्ट्रीम, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर आर्ट्स। उसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं एग्जाम असेसमेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम। साथियों, मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे आप बिना स्किप किए देखें, क्योंकि हो सकता है जिस मकसद से ये वीडियो बनाया जा रहा हो मकसद पूरा हो ही नहीं और आपके लिए ये वीडियो बेकार साबित हो जाए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखते रहिए। तो ये सभी डिटेल्स हमने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर शो पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पर बच्चों के नाम आपके सामने दिखाई पड़ने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दो विद्यार्थियों के नाम पर फोकस करने के लिए कहूँगा। यहाँ पर आप देखिए 8 नंबर पर एक विद्यार्थी है जिसका नाम है दीपक कुमार, जो कि मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, और 9 नंबर पर एक विद्यार्थी है दीपक कुमार जिसका नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। आप इन दोनों नाम पर फोकस कीजिए और इनको ध्यान में रखिए। साथियों, 8 नंबर पर जो विद्यार्थी है उसका SR नंबर है 3073 और नाम कैपिटल में है दीपक कुमार,
और 9 नंबर पे जो विद्यार्थी है उसका SR है 3086 और नाम उसका स्मॉल कैरेक्टर में है। तो अब यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह से ये नाम 8 और 9 नंबर पे है। अब यहाँ से मैं आपको रीसेट करके बताता हूँ कि किस तरह से इनकी जो क्रम संख्या है वो बदल रही है। यहाँ पर ये जो दीपक कुमार कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है 8 नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर मैं रीसेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं अब एग्जाम असेसमेंट में चेंज कर लेता हूँ एनुअल एग्जाम और शो बटन पर क्लिक कर देता हूँ। शो पर क्लिक करने के बाद में फिर से एनुअल एग्जाम की रिजल्ट एंट्रीज की डिटेल आ जाती है, ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर वही नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों। यहाँ पर देखिए, अब 8 नंबर पर जो एंट्री थी वो नीचे आ गई है। 3073 वाला जो विद्यार्थी था उसका नाम आ गया है नीचे 9 नंबर पर, और जो 3086 वाला विद्यार्थी जो पहले 9 नंबर में था वो अब आ गया है 8 नंबर पर। साथियों, अब आप सोचेंगे कि यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है या फिर किस तरह से गलती होती है। तो अमूमन शाला दर्पण पर एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लिप लेते हैं और 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट वाइज एंट्री करते जाते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी के नाम को हम एक बार ही चेक करते हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट टेस्ट में नाम आ रहा होगा, हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम में भी नाम इसी प्रकार से आ रहा होगा। लेकिन देखिए साथियों, वहां पर फर्स्ट टेस्ट में ये दीपक कुमार 8 नंबर पे था, लेकिन एनुअल एग्जाम में इसका नाम 9 नंबर पर आ गया है। अब अगर हम एंट्री फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कर देंगे तो ये 8 नंबर वाले विद्यार्थी के जो मार्क्स होंगे वो इस पर चढ़ जाएंगे और 9 वाले विद्यार्थी के 8 नंबर वाले नंबर पर चढ़ जाएंगे। तो साथियों, इस तरह की गलती शाला दर्पण पर हो सकता है आपने नोट करी हो और हो सकता है नहीं नोट करी हो। मुझे ये समस्या सामने आई और इससे मेरे विद्यार्थियों का रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे इस समस्या को आइडेंटिफाई करने में बहुत समय लगा। मुझे लगा कि ये जानकारी आप सबको देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी रिजल्ट बनाने का समय बिल्कुल लगभग खत्म हो चुका है। आपको जल्द ही इसका रिजल्ट देना होगा, तो त्रुटि रहित रिजल्ट हम विद्यार्थियों को दे सके, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।